अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले हमने सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, सेट्स के एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम मज़ीद थोड़ा सेट्स के बारे में जानते हैं। पेज नंबर 9 निकालें आप सब। स्टैंडर्ड सेट, यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किस किस्म के सेट्स मौजूद होते हैं। द फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज सेट्स ऑफ नंबर्स विद देयर यूजुअल नोटेशंस। ये मुख्तलिफ किस्म के सेट्स हैं अपनी खास अलामत के साथ। फर्स्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद का सेट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। n इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, और ये डॉट इन डॉटेड्स का क्या मतलब है कि कंटिन्यू है, ठीक है, एंडलेस है, इसका भी कोई एंड नहीं है फिलहाल, और ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद सेकेंड है द सेट ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद का सेट, किस तरह हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। w इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट, यानी ये कंटिन्यू है एंड ब्रैकेट क्लोज। थर्ड है हमारे पास द सेट ऑफ इंटीजर्स, नातिक आदाद का सेट, जिसको हम कैसे शो करते हैं। z इज़ इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नातिक आदाद हैं, लाइनर क्वेश्चंस हैं, लाइन की दोनों साइड्स पे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, इसलिए इनको इस तरह हम लिखेंगे। -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 डॉट 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 एंड ये क्लोज हो जाएगा। और इसी के साथ इसका दूसरा है सेट है इज़ इक्वल टू, लगा के हमने ब्रैकेट ओपन करनी है 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, या आपको प्लस माइनस भी कह सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं, +1, +2, +3 एंड डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। नंबर 4 है द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी जो हमको जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स, इसको इसके लिए हम ई लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ई स्टैंड्स फॉर इवन नंबर, ब्रैकेट ओपन 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट, यानी कंटिन्यू है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइडेबल नहीं होते, ओ स्टैंड्स फॉर ऑड और इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी मुकम्मल आदाद का सेट, ऐसे सेट्स जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइजेबल नहीं होते, ठीक है, उनको डिवाइड हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेट पे डिवाइड होते हैं, अपने ही नंबर पे डिवाइड होते हैं। तो पी स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट, यानी ये कंटिन्यू है। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास है द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, सी यानी मुरक्कब आदाद का सेट, सी स्टैंड्स फॉर कंपोजिट नंबर्स इज़ इक्वल टू 4 में जब हम 2 प्लस करेंगे जो 6 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब आदाद, 4, 6, 8, 9, 10 एंड कंटिन्यू, ये इसी तरह रहेगा। तो ये थे हमारे पास कुछ सेट स्टैंडर्ड्स। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1A पे। इसका मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको उसका बोर्ड पे समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सेट्स और नॉट। ये आपके पास यहाँ जो 10 स्टेटमेंट्स यानी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनसे पूछा जा रहा है हमारे पास कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं बोर्ड पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डल बॉयज़ ऑफ 6th क्लास। अब देखें, एक क्लास में बहुत सारे डल बॉयज़ होते हैं, उनको एक सेट में एक्सप्रेस करना हमारे बस में नहीं होता, इसलिए ये क्या है, जैसे कि आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम हर वो चीज़ सेट में होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है और डिस्टिंक्ट होती है, यानी हम जिसको अच्छी तरह से वजाहत भी कर सकते हैं और जो बहुत अच्छी तरह से बयानशुदा होती है। तो इसलिए डल बॉयज़ ऑफ 6th क्लास 1 इज नॉट अ सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सब बॉयज़ के बारे में नहीं कह सकते, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, इसलिए इसका सेट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्राइम नंबर्स लेस देन 15। प्राइम नंबर लेस देन 15 यानी 1 से लेकर 14 तक जितने नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स में आएंगे, तो इसका एक सेट पॉसिबल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इज़ अ सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट।
ये एक सेट बन सकता है क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके वेल डिफाइंड भी हैं, उनको हम अच्छे तरीके से बयान भी कर सकते हैं और वाजे मुकम्मल सूरत में मौजूद है हमारे पास। फिर उसके बाद नंबर 4 मैंने छोड़ दिया है, नंबर 3 मैंने छोड़ दिया है, वो आपने खुद करना है, सेम इसी तरह है। नंबर 4 देखिए, द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, स्कूल के पुअर स्टूडेंट्स। अब पूरे स्कूल में कितनी सारी क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, तो हमारे लिए उनका सेट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल ना हो उनका सेट नहीं बन सकता। तो अब क्या लिखेंगे, फोर इज़ नॉट अ सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। इसके बाद नंबर 7 देख लें आप, मैंने इसके बाद वाले नंबर्स छोड़े हैं, वो आपने खुद करने हैं, इन्हीं तरह से है बिल्कुल सेम। उसमें आपने ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है, द ब्यूटीफुल मॉस्क इन लाहौर। अब लाहौर बहुत बड़ा शहर है, उसमें बहुत सारी मॉस्क हैं, कोई एक मॉस्क नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सकें, तो इसलिए ये भी एक सेट नहीं है। तो हम क्या लिखें, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ये भी एक सेट नहीं है क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है, इनकी भी हम वजाहत नहीं कर सकते अच्छी तरह से, और ये बयानशुदा नहीं है। तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें से कुछ ऑप्शंस मैंने आपको समझाए, बाकी कुछ आपने खुद करने। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, 5, 6, 8, 9 और 10 जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है, और इसको करके आपने मुझे इसकी एक पिक्चर भेजनी है ताकि मैं आपको चेक करके फीडबैक दूँ।